YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर मूव कर सकता है कल, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कंट्रीब्यूशन दे सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के मोमेंटम में, और किस डायरेक्शन ये मोमेंटम दे सकता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने मिलेगा। अगर निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी पूरी तरह से अभी साइडवेज है, और ये जो रेंज है मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक हमें कोई वन साइडेड डायरेक्शनल मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। ये रेंज है, ऊपर का जो रेंज है वो है 17,400। जब तक 17,400 के ऊपर डेली बेसिस क्लोजिंग नहीं हो जाता है, तब तक हमें बुलिश व्यू मतलब बुलिश मोमेंटम निफ्टी में देखने नहीं मिलेगा। और वहीं जो नीचे का रेंज है वो है 16,830 का, 840 का। इसके नीचे जब डेली बेसिस क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब सीधा समझिए 16,800 के नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगा डेली बेसिस पर, तब हम निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। मतलब निफ्टी यहाँ पर एक गिरावट तब दिखाएगा जब 16,800 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, नहीं तो फिलहाल इसी रेंज में देखिए लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी इस रेंज में देखिए लगातार ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे भी ट्रेड हुआ है। तो ये रेंज है जिसमें निफ्टी बार बार अभी आता है और इसी में एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता है। फिर इस रेंज को जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शनल व्यू में हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, डेली बेसिस पर, पोजिशनल बेसिस पर, स्विंग के बेसिस पर। तो अभी फिलहाल निफ्टी में कोई भी स्विंग नहीं है, पूरी तरह से यहां जो निफ्टी है साइडवेज मोमेंटम कर रहा है और इस रेंज के बीच निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से साइडवेज है और ये रेंज है 36,000 और ऊपर का रेंज है 37,000। तो 37,000 और 36,000 के बीच लगातार ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ 36,000 के लेवल को आज भी ब्रेक किया था लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे सका। यहाँ पर हम रेंज जो लेकर चलेंगे मुख्य रूप से ऊपर 37,000 का रेंज, तो 35,500 और 37,000, इस 37,000 के ऊपर तो हम बुलिश हो जाएंगे और वहीं 35,500 के नीचे जब क्लोजिंग होगा तो हम बियरिश हो जाएंगे। डेली बेसिस पर इन दो लेवल्स के या तो ऊपर या तो नीचे, मतलब ये लेवल्स या तो ब्रेक हो ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल, नीचे का जो सपोर्ट का रेंज है ये ब्रेक हो, मतलब ब्रेक डाउन हो, तो हमें एक नीचे की ओर बैंक निफ्टी मूवमेंटम करता हुआ मिलेगा, और ऊपर जब 37,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें यहाँ पर ऊपर के साइड मूवमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर आप बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगले दिन। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर साइडवेज ट्रेड किया। देखिए पहले का जो 1 आवर है यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर ये लगातार डाउन ट्रेंड में अब मूव किया। तो यहाँ पर मैंने दिया भी था कि यहाँ पर जो ये लेवल है जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट ले रहा है, इसको जैसे ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा, और यहाँ पर मोमेंटम मिला भी। फिर यहाँ पर एक देखिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और यहाँ से निफ्टी फिर वापस मोमेंटम दिखाया। तो ओवरऑल जो मार्केट रहा साइडवेज रहा, लेकिन एक नीचे के डायरेक्शन में हमें मोमेंटम देखने मिला, फिर सेकेंड हाफ में ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम देखने मिला, और जो क्लोजिंग हुआ वो एक साइडवेज क्लोजिंग हुआ था। अभी निफ्टी भी पूरी तरह से साइडवेज था, डेली बेसिस पर हमें दोनों साइड का ट्रेड मिला, छोटे छोटे ट्रेड। अब कल का व्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो जब ये इस लेवल को ब्रेक करेंगे, अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें एक मोमेंटम मिल सकता है जो निफ्टी को लेकर आ सकता है 16,900 के पास। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं गैप डाउन थोड़ा ओपन होने के बाद, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हम 17,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर इस लेवल तक आ सकते हैं जो कि 16,960 का। तो यहाँ पर 40 पॉइंट का मोमेंटम हमें फास्ट देखने मिल सकता है निफ्टी में। फिर वहीं अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और इस लेवल को क्रॉस करते हैं, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है जो कि 17,100 का लेवल, तो फिर यहाँ पर हमें एक ऊपर की ओर जबरदस्त मोमेंटम देखने मिल सकता है 100 पॉइंट का, जो कि निफ्टी को 17,200 तक ले जा सकता है। तो ये ऊपर में रेसिस्टेंस रीजन है, अगर हम फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो 17,200 तक हम या 180 तक जा सकते हैं। तो 180 से लेकर 200 का ऊपर का जो रेंज होगा ये एक सप्लाई जोन होगा, और नीचे का जो ये जोन है ये हमारा डिमांड जोन है। इसको ब्रेक करते हैं गैप डाउन के साथ तो फिर हम इस लेवल तक नीचे आ सकते हैं 16,800 16,900 के लेवल तक। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, चार लेवल्स
कि हम यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,000 के लेवल को ब्रेक करें, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,100 को ब्रेक करें तो 200 तक का मोमेंटम मिलेगा, 1700 के लेवल को ब्रेक करें तो फिर हम 900 तक के लेवल या 960 तक के लेवल तक जा सकते हैं। वही गैप डाउन या गैप अप होने पर फिर प्राइस एक्शन के अनुसार आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आज भी चार्ट यहाँ पर शेयर किया था फर्स्ट हाफ में, यहाँ पर इस लेवल को जैसे ये ब्रेक करता है तो निफ्टी में हमें जो है मोमेंटम वो डाउन साइड देखने मिलेगा, और वैसा ही यहाँ मोमेंटम भी हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में मैंने चार्ट शेयर किया था कि इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पर हमें एक डाउन बार मोमेंटम देखने मिलेगा, और यहाँ पर मिला भी, और फिर यहाँ पर सेकेंड हाफ में जो बैंक निफ्टी है ऊपर के साइड मोमेंटम किया तो ओवरऑल जो निफ्टी था और बैंक निफ्टी दोनों साइड बेज रहा। अगर कल हम फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं जो कि है 36,100 का लेवल, तो हम फिर यहाँ पर 250 तक जा सकते हैं, 36,250 तक जा सकते हैं, और जो कि इजिली यहाँ पर मिल सकता है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करे, ये जो गैप क्रिएट हुआ है। वहीं अगर हम फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे के लेवल को ब्रेक करते हैं, अगर हम जो कि है 35,900 के लेवल को, तो फिर हमें जो नीचे के साइड में एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि फास्ट मोमेंटम होगा, वो बैंक निफ्टी को 35,750 तक ला सकता है। तो ये मोमेंटम होगा जब फ्लैट ओपन होगा। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाते हैं तो फिर आपको उसके अनुसार अपने ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है, रिस्क को मैनेज करना, पोजिशन साइजिंग आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप ओपन होने पर हम चार्ट को शेयर करते हैं कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम हो सकता है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा गैप अप ओपन होते हैं, अगर हम 36,300 के लेवल ऊपर ओपन होते हैं तो फिर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी, जो कि 36,500 के लेवल पर। 36,500 लेवल एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शार्प रूप से बैंक निफ्टी फॉल किया है। फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो कि है 35,500 का लेवल। तो 35,500 लेवल और उधर 36,500 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल को हम इंट्राडे बेसिस पर ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमें किसी भी डायरेक्शन में इंट्राडे बेसिस पर मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। वहीं डेली बेसिस पर मैंने बात किया कि 35,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 37,000 का लेवल जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल, इस रेंज में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स निफ्टी को मूव कर सकता है और कौन सा स्टॉक्स बैंक निफ्टी को मूव कर सकता है। देखिए पहले हम बैंक निफ्टी को मूव देख लेते हैं, फिर हम आपको निफ्टी के बारे में बताएंगे। देखिए बैंक निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में अकेले 25% है, मतलब बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इसका अकेले कंट्रीब्यूशन जो है 25% के आसपास है। तो बैंक निफ्टी जब मूव करेगा निश्चित रूप से निफ्टी को भी उस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो निफ्टी के मोमेंटम की चर्चा हम लास्ट में करेंगे, पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का अकेले कंट्रीब्यूशन 29% है और HDFC बैंक यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बना रखा है, और इस रेंज को जैसे ब्रेक करता है निश्चित रूप से HDFC बैंक में एक फास्ट मोमेंटम होगा किसी भी डायरेक्शन में, जो कि बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम कराएगा। अब देखिए बैंक निफ्टी अभी साइडवेज क्यों है, क्योंकि इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है HDFC बैंक वो ही साइडवेज है। तो जब तक इस छोटे से रेंज को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी भी हमारा जो रेंज है 37,000 का और नीचे 35,500 के लेवल का उसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से हमें नीचे मोमेंटम देखने मिलेगा, ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर मोमेंटम करेगा। फिर वही जो दूसरा स्टॉक्स है जिसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक में 29% के आसपास HDFC बैंक का और 22% के आसपास ICICI बैंक का, तो ये भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ देखिए ये ब्रेक डाउन किया है, ये जो इसका यहाँ पर सपोर्ट रीजन था, मतलब यहाँ पर जो साइडवेज था, इस रेंज को ये नीचे की ओर ब्रेक किया है। तो ICICI बैंक यहाँ सिग्नल दिया है ये निफ्टी बैंक को नीचे ले जाएगा। अगर यहाँ पर HDFC बैंक भी नीचे अपने रेंज को ब्रेक करता है तो फिर एक बैंक निफ्टी में बड़ा गिरावट देखने मिलेगा, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन तो इस दो स्टॉक्स का ही है और ये नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो हमें देखना पड़ेगा कल ICICI बैंक किधर ट्रेड करता है, अगर ये बेरिश रहता है तो निश्चित रूप से ये बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करेगा। तो याद रखिए कंट्रीब्यूशन के अनुसार जब स्टॉक मोमेंटम करेगा, मेजर कंट्रीब्यूशन जिसका है उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूव करेगा। अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों एक डायरेक्शन में मूव करे निश्चित रूप से बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक का। तो देखिए एक्सिस बैंक का 11% कंट्रीब्यूशन है निफ्टी बैंक में,
11% है तो अच्छा खासा वेटेज इसका भी है, थर्ड वेटेज है और 11% के आसपास ही कोटक बैंक और SBI बैंक का भी है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये भी जो यहाँ पर रेंज बनाया था इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बना है थोड़ा इसका विक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मतलब ये थोड़ा सा आज ब्रेक तो किया, मतलब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया इस रेंज को, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कैंडल बनाया है जो डोजी कैंडल ये बनाया है ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा एक्सिस बैंक यहाँ पर बुलिश है। तो कल अगर ये डोजी तभी मतलब एक्टिवेट होगा जब ये अपने लो को ब्रेक करेगा, अगर एक्सिस बैंक 750 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये भी बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ड्रैग करेगा। फिर आते हैं कोटक बैंक, कोटक बैंक का भी कंट्रीब्यूशन 11 है और SBI का भी कंट्रीब्यूशन 11% है, उसके बाद इंडसइंड बैंक उसका मात्र 5% है। तो ये सारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन वाला है तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 330%, 80% कंट्रीब्यूशन तो मात्र इस 5 बैंक का है। तो उसमें देखिए कोटक बैंक का 11% है, तो ये भी यहाँ पर अगर 1680 रुपया को ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो बेरिश हो जाएगा, और अगर यहीं पर ये जो ट्रेंड लाइन बना रखा है या कहें ये जो रेंज है इसको ब्रेक करता है तो इस रेंज को जो कि है 1800 से लेके 1840 के लेवल को ऊपर की ओर 1840 के ऊपर निकलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोटक बैंक बुलिश हो जाएगा, तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। लेकिन देखिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन है HDFC बैंक ICICI बैंक उसका सहायता मिलना बहुत ही जरूरी है, जिस डायरेक्शन में वो दोनों बैंक जाएगा उसी डायरेक्शन में निफ्टी को भी ड्रैग करेगा। फिर कल बात करते हैं SBI का, SBI का भी 11% कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी देखिए यहाँ पर इस ये जो रेंज था उसको ब्रेक डाउन कर चुका है, यहाँ पर जो एक साइडवेज रेंज बनाया था और ब्रेक डाउन करने के बाद अगर ये इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करता है जो कि है 490 से 480 का जो लेवल है ये इसका डिमांड जोन है, अगर ये 480 के लेवल के नीचे आ जाता है SBI तो निश्चित रूप से ये बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा नीचे ले आएगा और ये पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। 480 के नीचे SBI जो है पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर हम इसको साइडवेज मान के चलते हैं और 480 ब्रेक होने के बाद पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत बेरिश SBI ऐसे भी है, तो अभी जो है सिर्फ HDFC बैंक और कोटक बैंक यही दो बैंक निफ्टी को संभाल के रखा है, नहीं तो सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है, एक्सिस बैंक SBI ICICI बैंक। अब बात करते हैं हम निफ्टी का मोमेंटम, तो देखिए निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है 11% रिलायंस का है, उसके बाद 8% इन्फोसिस का, 8% HDFC बैंक का, 5% ICICI बैंक का, और उसके बाद 5% TCS का और 5% HDFC लिमिटेड का। तो ये जो 6 स्टॉक्स है रिलायंस इन्फोसिस TCS HDFC बैंक ICICI बैंक और HDFC लिमिटेड, इसका अकेले कंट्रीब्यूशन 40% है, मात्र ये 6 स्टॉक्स का 40-50% कंट्रीब्यूशन है। तो ये 6 स्टॉक्स जिधर जाएगा उधर हमारा निफ्टी जाएगा, या सीधा कहें बैंक निफ्टी अकेले कंट्रीब्यूशन 25% रखता है, तो बैंक निफ्टी जिधर जाएगा लगभग उसी डायरेक्शन में ड्रेक करेगा निफ्टी को। साथ ही साथ रिलायंस इन्फोसिस का अगर सपोर्ट मिल जाता है रिलायंस और इन्फोसिस का, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 40-50% कंट्रीब्यूशन हो गया, तो उसी डायरेक्शन में निफ्टी को ले जाएगा, और 50% बहुत सारे स्टॉक्स उसमें है, उधर जो आपको बच गया 40 स्टॉक्स उसका कंट्रीब्यूशन 50% है, और 50% अकेले 5-6 स्टॉक्स का है लगभग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बात करें तो निफ्टी को नीचे कौन ले जा सकता है, ऊपर कौन ले जा सकता है, देखिए पहला तो रिलायंस यहाँ पर ऊपर के लेवल पर अपने आप को होल्ड किया है और आज जो बनाया है ये देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, अब ये कैंडल एक्टिवेट तब होगा, देखिए ये कैंडल तो बनाया है लेकिन ये कैंडल एक्टिव तब होगा जब ये इसके नीचे कल ट्रेड करे, जब इसके कल नीचे रिलायंस ट्रेड करे तो ये कैंडल एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है जो कि 2660 रुपया, 2660 के नीचे रिलायंस अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये बेरिश हो जाएगा, फिर अच्छा खासा निफ्टी को नीचे ले जा सकता है, इसका एक अकेले कंट्रीब्यूशन 11% है निफ्टी में। फिर दूसरा जो है इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन जो है 8% के आसपास है, तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर बेरिश मोड में है, और अगर ये 1530 इस लेवल के नीचे चला जाता तो ये पूरी तरह से इन्फोसिस बेरिश हो जाएगा और तो ये निफ्टी को निश्चित रूप से नीचे ड्रैग करेगा। उसके बाद HDFC बैंक, वो तो आपने देखा है कि एक रेंज छोटा सा रेंज बना रखा है HDFC बैंक, ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश होगा, नीचे आएगा तो बेरिश होगा, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम TCS का और HDFC लिमिटेड का। यहाँ पर देखिए TCS इसका 5% कंट्रीब्यूशन निफ्टी में, तो ये भी यहाँ पर अपने लोअर लेवल पे यहाँ पर देखिए सस्टेन किया हुआ है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर ये 3400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बियरिश होगा। तभी भी ये 3400 के काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कम बियरिश है। तो TCS अभी होल्ड करके रखा है अपने लेवल्स को। फिर HDFC बियरिश तब होगा जब ये 2050 के लेवल को ब्रेक करेगा, या कहें 2000 के लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, तो ये पूरी तरह से बियरिश होगा। तो अभी भी HDFC लिमिटेड भी यहाँ पर होल्ड कर रखा है। अगर ये 2250 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। इसका भी कंट्रीब्यूशन निफ्टी में 5% है। अभी रिलायंस ऊपरी लेवल पे मतलब ट्रेड कर रहा है, तो रिलायंस होल्ड करके रखा है निफ्टी को। साथ साथ बैंक निफ्टी जो है 25% जिसका कंट्रीब्यूशन अकेले है, अगर वो ब्रेक करता है अपने लेवल को नीचे, तो निश्चित रूप से निफ्टी भी बेरिश हो जाएगा। तो ये एनालिसिस था, इससे आप सीख पाए होंगे कि निफ्टी कब बुलिश व्यू देगा और कब बेरिश व्यू देगा, मतलब कब बेरिश ट्रेड हम निफ्टी में ले सकते हैं और कब बुलिश ट्रेड, कौन से स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है और कौन से स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी को नीचे ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, मार्केट के मूवमेंट को समझने में आपको हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।